Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Sugandha Sharma and data science related कई सारे courses के बारे में मैं time to time आपके लिए video लाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपके लिए personally जो भी suitable हो, जो भी courses आपके personal check boxes को tick करता हो, आप उसमें enroll कर सकें. But still telling for a fact कि मैंने अपने channel पे सबसे ज़्यादा जिस course को cover किया है data science के terms में, वो है ऑर्डिनेंस स्कूल का डेटा साइंस कोर्स. आप लोग अगर मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपने ये चीज़ पहले भी नोटिस की होगी. एंड द रीज़न बीइंग कि इट्स नॉट जस्ट कि मैंने एक बार कोर्स देखा, मुझे अच्छा लगा, या इट्स जस्ट माय रैंडम सजेशन. ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर डिसीजन टू मेक कि आपको कौन सा कोर्स करना है एंड करना है या नहीं करना है. बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगर हम जेन्युइनली इफ वी गो बाय रिव्यूज़, तो गूगल पे इसकी रेटिंग 4.7 है, विच इज़ अ वेरी गुड रेटिंग. इसके अलावा जिन कैंडिडेट्स ने भी अपना डेटा साइंस कोर्स ऑर्डिन स्कूल से किया है, ऑर्डिन स्कूल उन सब की लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक कर देता है, जिससे आप डायरेक्ट जाके उनके साथ बात कर सकते हैं. उनका कैसा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो आप सुन सकते हैं. अगर आपको कोई जेन्युइन डाउट्स हैं इस कोर्स से रिलेटेड, वो भी उनसे पूछ सकते हैं. तो एक क्लियर इंटरेक्शन हो सकता है जिसमें आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलेंगे, जिसका लिंक खुद ऑर्डिन स्कूल ने प्रोवाइड किया है. इसी कोर्स को हम थोड़ा शॉर्ट एंड टू द पॉइंट करके समझेंगे. सो वैसे तो अभी तक आप सभी को पता होगा कि डेटा साइंस में अपना करियर परस्यू करने के लिए आपको किसी टेक बैकग्राउंड से या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आना ज़रूरी नहीं है. कोई भी ग्रेजुएट, चाहे आप फ्रेशर भी क्यों ना हो, कोई भी फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट, या कोई भी पर्सन जिसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अगर आप एक जॉब सीकर हैं और आप सोचते हैं कि आप ऐसी कोई नई स्किल एक्वायर करें जिसके बेसिस पे आपको जॉब मिले, डेटा साइंस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ऑर्डिन स्कूल का डेटा साइंस प्रोग्राम एक 6 मंथ डेटा साइंस बूट कैंप है, जिसमें 6 मंथ से ही आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं एंड इट गोज अप टू 12 मंथ. इस कोर्स को फ्रेशर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी कहीं पर वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो अपना करियर स्विच करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं, वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं. कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट या सिटी से इसे ज्वाइन कर सकता है. सिंस ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो अगर आपकी दूसरी कमिटमेंट्स भी हैं, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप मान लेते हैं फाइनल ईयर या सेम के स्टूडेंट हैं, या आप ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है, तो अगर आप इन चीज़ों के साथ इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. ये एक बहुत फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, विच मीन्स वैसे तो इसमें लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट गिवन टाइम पे प्रेजेंट रह पाएं, लेकिन इनके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं. इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए, इसमें कई सारे स्पेशल फीचर्स हैं. मैं जो इसके मेन फीचर्स है अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे लाइव इंटरैक्टिव सेशंस रहेंगे एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स के साथ. हर वीकेंड इसमें आपके रिग्रेस क्लासेस रहेंगे, जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ लगातार आपके सेशंस होते रहेंगे टाइम टू टाइम. इसमें आपको ऑर्डिन स्कूल की तरफ से ही कई अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे. इसके अलावा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन भी ऑर्डिन स्कूल खुद अपने तरफ से कराता है, जिसमें आपके मॉक इंटरव्यूज लेना इसका एक पार्ट होता है. आप अपना सीवी, अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये इसका एक पार्ट होता है. एंड आप अपने सॉफ्ट स्किल्स भी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इसका एक पार्ट होगा. इसके अलावा जो बिहेवियर स्किल्स होती है, यानी जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपनी वर्क लाइफ में कैसे खुद को प्रूव कर पाएं, या कैसे वेल बिहेविंग बन पाएं, कैसे चीज़ों को बैलेंस कर पाएं, उसके लिए भी जब आप डेटा साइंस का ये कोर्स कर रहे होंगे, ऑलरेडी इस पे वर्कशॉप्स होंगे. इसके अलावा इसमें आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगा. नाउ लेट अस सी, अगर आप यहाँ से प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो इसमें आप क्या क्या सीख पाएंगे, यानी बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम क्या चीज़ें होंगी जो आपको आती होंगी. सबसे पहले, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई स्टैट्स फॉर रियल टाइम एनालिसिस. सेकेंड, यू विल लर्न पाइथन एंड टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, पैटर्न प्रिडिक्शन एंड विजुअलाइजेशन. थर्ड, SQL यूज़ करना डेटा बेस मेंटेन करने के लिए एंड डेटा मैनिपुलेट करने के लिए. अंडरस्टैंड एंड अप्लाई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम. इसमें आपको पाइथन, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, SQL, कैपस्टोन प्रोजेक्ट, मिनी कैपस्टोन प्रोजेक्ट, एडवांस्ड पाइथन, एडवांस्ड SQL. सो ये सारा कोर सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया जाएगा. कोर सिलेबस के अलावा इसमें इलेक्टिव्स का भी ऑप्शन होता है, यानी कोर सिलेबस तो आपको पढ़ना ही है, इलेक्टिव्स में कई सारे ऑप्शन होंगे जिनमें से जितने ज़्यादा आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं. जैसे अगर आप ML, NLP, ETL, Spark, Airflow, Tableau, DBT, Snowflake, इनमें से अगर आप कुछ भी लेना चाहते हैं तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास रहेंगे. तो एज यू कैन सी के काफ़ी इंडस्ट्री अलाइंड इनका सिलेबस है. इसके अलावा प्लेसमेंट असिस्टेंस भी ऑर्डिन स्कूल आपको अपने तरफ से ही प्रोवाइड करता है, जिसका एक काफ़ी हाईलाइटिंग पॉइंट है कि कैसे इनका प्लेसमेंट असिस्टेंस काम करता है. आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट फॉर 2 मिनट्स. देखिए, सबसे पहले ऑर्डिन स्कूल के पास अपना खुद का एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो प्लेसमेंट को ही हैंडल करता है. अराउंड 250 कंपनीज में ये टाइम टू टाइम जो डेटा साइंस की जॉब्स है वो चेक करते रहते हैं. हर एक पर्टिकुलर जॉब में जिस तरीके का बैकग्राउंड या जिस तरीके का एक्सपीरियंस मांगा है उसको स्टडी करके जो इनके पास एट प्रेजेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनका बैकग्राउंड चेक करके दोनों में से जो मैच होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि रैंडम बस
कैंडिडेट्स के सीवी या प्रोफाइल आगे फॉरवर्ड कर दिए गए, उसका फिल्ट्रेशन एंड उसकी मैच मेकिंग करके जो रोल जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट के हिसाब से सूट होता है वहीं पे उसका सीवी सेंड किया जाता है, विच मीन्स इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ सिलेक्शन। अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है तो स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कंपनीज के साथ नेगोशिएट करने का काम भी ऑडिट स्कूल ही करता है। इनका प्रूव्ड प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है। फीस की बात करें तो इसकी फीस है ₹99,000 प्लस GST। इसमें आप 30,000 तक की स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप इस बूट कैंप में एडमिशन लेते हैं विद इन 10 डेज आप रियलाइज करते हैं कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है और आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आपको आपकी फीस रिफंड हो जाएगी विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आप अपनी फीस वापस ले सकते हैं। अब हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, मैं आपको वेबसाइट का भी लिंक दूंगी, सो दैट यू कैन नेविगेट थ्रू द वेबसाइट योरसेल्फ। कैंडिडेट्स जो हैं जिनके लिंक्डइन प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बिगनिंग में बताया था वो लिंक भी दूंगी। सक्सेस स्टोरीज का भी लिंक दूंगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग, ऐसा नहीं है कि सभी फ्रेशर्स ही हैं या ऐसा नहीं है कि सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जस्ट अपना कॉलेज क्लियर किया, ऐसे भी लोग हैं जिनके वर्क में 10 साल का गैप है या कई सालों का गैप है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने व्हेन दे हैड बेबी दे डिसकंटिन्यूड वर्किंग एंड नाउ दे आर जॉइनिंग अगेन, ऐसे भी लोग हैं जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं। सो डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड हैं, आप चाहे एजुकेशन वाइज लगा लीजिए, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाइज लगा लीजिए, आप चाहे गैप जो है सीवी में या जॉब में उसके हिसाब से लगा लीजिए, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इसमें आपको लोग मिल जाएंगे। इनकी सक्सेस स्टोरीज पढ़ के आप देख सकते हैं कि कितने वर्सेटाइल बैकग्राउंड से इसके सिलेक्शन हुए हैं, तो उसका लिंक भी मैं आपको दूंगी। इसके अलावा ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मैं आपको दूंगी, जहां पे जाके आपको एक फॉर्म भरना है। सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक काउंसलर होंगे जो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, जिनसे अगर आपको कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं और जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आप जो अगला जो भी बैच स्टार्ट होने वाला होगा, डिपेंड्स आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, आप उस बैच के लिए फीस पे कर सकते हैं, जिसके लिए 10 डे रिफंड पॉलिसी भी रहेगी। इसके बाद आप इसमें एनरोल हो जाएंगे। तो ये इसकी कंप्लीट डिटेल्स हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने इस तरह की वीडियो पहले भी देखी होगी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमाइंड यू गाइज, क्योंकि लास्ट मंथ मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। अभी इनका एक और नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव अ लुक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट्स।